हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे घर से बाहर की व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है, आप देख रहे हैं। तो आज सर संडे, तो मैं मेरी बहन और बच्चों के साथ बाहर आए थे हाइपर सिटी। तो मैंने सोचा इनको कुछ शॉपिंग करा देती हूँ, ये चले जाएंगी। तो ये देखिए मीशा बहुत ही प्यारी लग रही, और ये देखिए अलीजा, इसको बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया है बच्ची ने। बहुत प्यारी बच्ची, क्यूट सी। और ये मेरी बहन को यहाँ चलते इतना डर लग रहा, तो इसको धीरे धीरे हाथ पकड़ के मीशा सिखा रही है कि लो मैं आपके साथ चलती हूँ। और संडे बहुत क्राउड हो रही है। अपने हस्बैंड के लिए कुछ टी शर्ट वगैरह की शॉपिंग कर रही थी, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई। बहुत गर्मी थी तो देखिए आइसक्रीम भी इतनी मेल्ट हो। अच्छी नहीं है क्या चाय? अली से चाय अच्छी नहीं है? हाँ। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब घर चले क्या, क्या यहीं घूमना है? हाँ। अली जा, मजा आ रहा है क्या, बोल तो। ये देखिए मेरी क्यूट भांजी, इतना फन किया, इतना एंजॉय किया इस बच्चे ने, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसको मुझे बहुत अच्छा लग रहा इसका सूट। तो घूमते घूमते बहुत लेट हो चुका था, इमरान जी भी उस दिन जल्दी आ गए थे, तो कॉल आ गया। उन्होंने बोला चलो अब खाना तो बनेगा नहीं और लेट हो जाएगा, तो मैं आज आप मेरी तरफ से पार्टी दे देता हूँ सालियों को और तुम्हें। तो हम चले गए मोहम्मदी रेस्टोरेंट, जयपुर में बहुत ही अच्छा है चांदपोल में। तो वहाँ का मतलब खाना भी बहुत ही अच्छे मज़े का, लाजवाब। और ये देखिए अलीजा बहुत मज़े कर रही, हर जगह जाते मतलब इतना खुश रहती है। उसके बाद हमने ऑर्डर दे दिया था, तो ऑर्डर में हमने दिया था निहारी और चंगे जी, बहुत ही अच्छी है इनकी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। और रोटी तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता। उसके तो यहाँ का मुझे वॉश बेसिन बहुत अच्छा लगता है, नल का टैप तो हाथ करते हैं तो पानी आता है। और ये मैं मतलब इतना बच्चे जैसी फीलिंग आई, तो मेरे भाई और मेरी बहन बोले क्या हो गया चल ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे होना चाहिए। मैं अगर फ्यूचर में घर बनाऊँगी तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ऐसा बनवाऊँगी। उसके बाद हम चले गए, उसी रात को हम हाउसिंग बोर्ड पास में है, तो उसकी बहन की अभी तक शॉपिंग पूरी नहीं। इतना सोच सोच के लेती है, देखिए एक घंटे इसने चार चीज़ें खरीदी। उसके बाद दूसरा दिन हम चले गए खाला के, गए थे तो मेरी खाला की बहू यानी मेरी मामी की लड़की बोली बुरखा मेरा जैसा है, तो बस मैंने बोला हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजमी बेशी ब्लॉग। आप सब कैसे, आई होप आप सब ठीक हो गए, हम सब ठीक है आप सबकी दुआ से। तो सनाया और नाइसा जाने के बाद मैं प्रॉपर शूट कर पाई, और एक महीने से मैं बिल्कुल ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं कर पाई। बहुत कम लोग आए मेरे इस महीने में, क्योंकि मेरी सिस्टर लोग आई हुई थी, इसीलिए मेरे ब्लॉग कम आए, क्योंकि मैं उनमें दिन भर बिजी रहते, हम बातें करते रहते, खाना पकाना ये करना वो करना, बस इसमें ही टाइम चला जाता है। तो बस वो लोग आना भी नहीं चाहती, तो मैं बनाना चाहती। तो अभी कुछ देर पहले आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी है वीडियो की, तो मैं गई थी बच्चों को लेके घूमने, सुनाया नाया से चली गई थी, उनका दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने चलो तुम्हें कहीं लेके चलती हूँ, तो सिस्टर को भी कुछ जरूरत का सामान चाहिए, तो उनको दिला दिया। और फिर उसके बाद हम चले गए मामा के और खाला के भी। उसके बाद मैं फिर सूट नहीं कर पाया, कुछ लोग कुछ भी मतलब सूट नहीं करा, तो मैंने सोचा आज जुम्मा है आज सूट कर लेते हैं। तो मेरे बेटे ने भी मुझे टोक दिया कि मम्मा आप लोग नहीं बना रहे, क्या बात हो गई? बात कुछ नहीं है, कुछ ऐसे ही टाइम नहीं मिला के कारण मैं सूट नहीं कर पाई। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे मेरी बहनों के लिए फिर से स्पेशल डिश, क्या बनाने वाले वो आपको आगे क्लिप में पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक। इस माहिर अपनी साइकिल दो रहा है, ये देखिए जब से लाया ना, जब से अभी कुछ 15 दिन हुए हैं इसको, शायद 15 दिन भी नहीं हुए मुझे लगता है, 10 दिन हुए शायद। तो अभी जब से बोला धोना है, तो ये देखिए धोने, आज फाइनल इसने धो ही लिया, प्लीज चला ली। और आज इसने बताना अपना लोग बताइए, तो आज इसने फ्राइडे ना दिनों को मैं भी नए कपड़े पहनूं। गर्मी तो गाइस, मैं आज मीशा का गिफ्ट बता देती हूँ। और ये मीशा ने पूरा रूम देखिए इतना अच्छा क्लीन अप कर दिया है। और ये देखिए अली जा, हाय करो अली जा, हाय। तो ये देखिए मीशा का गिफ्ट, तो ये स्पेशल मीशा के लिए गिफ्ट भेजा है किसी ने। और ये मैं लेकर आई थी अलीजा के लिए, छोटा सा इसने गंदा कर दिया, ले जा ले आओ। ये इसका रैबिट, और ये देखिए मीशा का, तो ये अपने मीशा के से बड़ा है, ये देखिए। तो अभी मीशा को आप और इसको आपको दिखाऊंगा। मीशा ने देखिए बेड शीट वगैरह, मीशा अपने टेडी को लेके सोती है।
लीजा। तो यहाँ गाइस मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ और आज मैंने आपको बताया है मेरी बहन के लिए मैं स्पेशली हैदराबादी बिरयानी बना रही हूँ। तो मैंने अभी मसाले को चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है कुछ घंटों के लिए, तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं पहले। तो गाइस अभी मैंने मैरिनेट के लिए रख दिया है और प्याज फ्राई करके भी डाल दिए कुछ, और कुछ मैंने बाहर रख दिए ताकि कड़क हो जाए। तो मुझे फ्राई करे हुए प्याज कड़क कड़क अच्छे लगते हैं। और अभी सिस्टर देखिए कपड़ों की चेक कर रही है, तो अभी मैं नीचे जाके आती हूँ थोड़ी देर, 15 से 20 मिनट थोड़ी वॉक कर लेती हूँ और मेरा मैरिनेट भी हो जाएगा। तो फिर बनाएंगे हम दम बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, जो भी नाम देना चाहो आप। मैं हमेशा इस बिरयानी में कंफ्यूज रहती हूँ। तो चलो चलते हैं। अलीजा मेरी नकल उतार रही है, इतनी छोटी सी बच्ची कह रही है हेलो गाइस, ये देखिए मेरी मम्मा कपड़े दिखा रही। चलो मिलती हूँ कुछ देर आपसे, कुछ देर बाद आप, सॉरी। सभी बोल रहे हैं चावल और यहाँ पक रहा है हमारा बिरयानी का मसाला, तो ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 1 से 1.5 घंटे, सॉरी। तो बस बहने नीचे हैं और मैं अकेली अपने आप से बातें कर रही। तो गाइस हो गई थी बिरयानी रेडी, तो माही ने और मेरी बहन ने तो खा ली थी, उसके बाद मैं आपको बता भी नहीं, डिश आउट नहीं कर पाई, तो मैं अपने सोचा शूट कर लिया था, फिर भी मैंने चलो बता दे। तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बनी थी, और जो कोई दिल से चीज़ बनाते ना तो बहुत अच्छी बनती, और मुझे खाना बनाना तब अच्छा लगता, तो लोग शौक से खाते ना तब मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता। तो ये हैदराबादी बिरयानी बनी मसालेदार, तो मेरी बहन को स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत मिर्च डाली थी उसके लिए, क्योंकि वो बहुत तीखा खाती है। मेरे भाई को भी तीखा पसंद है लेकिन वो मेरे लिए एडजस्ट कर लेता, लेकिन बहन है, मैंने सोचा कुछ दिन के लिए आई है तो चलो कोई बात नहीं, स्पेशल बिरयानी उसके लिए। तो गाइस मीसा अभी बिरयानी खा रही है, इसको आज बहुत अच्छी लगी, अच्छी बनी है क्या? हाँ। इधर तो देखो आप, कौन सी बिरयानी बनाई है? हैदराबाद, हैदराबादी बिरयानी बनाई है। गर्मी हो रही है गाइस, तो छत पे लेटे हुए थोड़ी देर, और हम मीशा के पापा का इंतजार कर रहे हैं। तो हो गई थी मॉर्निंग, तो ये बहुत दिनों से व्लॉग चल रहा था, तो आज था सैटरडे, तो मैं नीचे से आ रही थी वॉक करके, तो बहुत आते आते इतना सांस फूल जाता है, छत पे मेरे घुटने भी दर्द होने लग जाते इतने ऊपर, मतलब सेकंड फ्लोर पर है, और इतनी गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, देखिए धूप देखिए आप इतनी चिलक रही है, और ये सुबह के अभी 10 ही बज रहे हैं फिर भी देखिए। तो गाइस ये देखिए अभी कुछ खा रहे थे और सुबह लिया, क्या ये देखिए ये खा रहे हैं सिग्नेचर, और मीशा वहाँ देख रही। फिर से मैं अपनी बहनों को लेकर आ गई थी शॉपिंग रामगंज, तो ये मेरी बहन मीना जिसको चूड़ियों का इतना शौक है, इन भैया के पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन है चूड़ियों का, और ईद आने वाली है बकरा ईद, तो बहुत रेटें भी बढ़ गई हैं। तो गाइस ये फर्स्ट टाइम में इमरान जी यहाँ लेकर आए थे इस दुकान में, जब इतनी छोटी थी, अब ये देखिए इतनी, मतलब थोड़ी सी बढ़ा ली इन्होंने, बहुत ज़्यादा बड़ी कर ली, ये भी तब वही गई थे। मार्केट से आने के बाद हमने सोचा खाना बना लेते जल्दी जल्दी, तो जल्दी में गैस ही सिलेंडर खत्म हो गया, तो बाहर से रोटी मंगा ली थी तंदूर की। और गाइस कल मैंने बिरयानी हैदराबादी बिरयानी बनाई थी, रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ, अगर आपको नहीं देखी तो आप प्लीज वहाँ जाके देख ले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी। तो अभी रात के बज रहे 1 बज रहा है, फिर भी देखिए गाड़ी मोटर यहाँ चल ही रहा है, अभी तक यहाँ पूरी रात चलती रही, और आज मेरा गैस का सिलेंडर भी खत्म हो गया, तो फिर मैंने दाल, बेचारे अच्छे पड़ोसी है तो उन्होंने बोला यहाँ के बना लो बाजी आप, फिर आप बाहर से रोटी बना लेना या फिर हमारे ही बना लो आप, तो मैंने सोचा मैं बाहर की बना लेती, किसी को परेशान नहीं करते इतना जितना हो सका, उन्होंने भी थैंक यू सो मच। तो आज बाजार भी गई थी बहनों को लेके, ये जाने वाली है गाड़ी का शॉपिंग करवा रही हूँ, और हो गई है, और लेट गए थे तो कुछ नहीं हो पाई, तो बस इस व्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, और जो भी पेन शॉपिंग लाई है वो मैं आपको सुबह बताऊँ, तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। बहुत दिनों से व्लॉग चल रहा है, बहुत ही दिनों से, प्लीज़ गाइस वीडियो से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, और जल्द से जल्द सनाया और नायसा भी आने वाली है, और तो फिर और भी ज़्यादा फिर व्लॉग मेरे अच्छे अच्छे आएंगे, क्योंकि उनके बिना मैं बहुत अधूरी हूँ सच में। तो अभी इमरान जी देखिए कूलर में पानी भर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, कूलर एक है और हम रहने वाले 5-6 मेंबर हो गए, तो बहन चली जाएगी एक तो 15-16 तारीख तक, और एक रहेगी छोटी वाली, तो चलो बाय बाय अल्लाह। तो गाइस देखिए माय नालिया, तो आज भी संडे है, और ये मीसा का लेके बेटा है बिट्टू, इसका नाम रखा है मीसा ने बिट्टू,
आज माई ने ब्लैक एंड वाइट नाश्ता होगा माई। चलो अभी नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं।